दोस्तों, यह सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। तो आज हम आपको बहुत सारे अंतर बताने वाले हैं कल्चर पॉम में, पॉमरेनियन में, जैपनीज स्पिट्स में और इंडियन स्पिट्स में। तो अभी जो आप ये हमारे पास देख रहे हैं, ये फीमेल डॉग है, इसका नाम जेनी है। इसको आपने पहले हमारे किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। और ये जो पपी है, पपी अभी नहीं है, अभी तो ये 9 मंथ की हो गई है अप्रोक्स। हाँ, ये पपी ही है वैसे 9 मंथ की। ये पॉमरेनियन है, जो रियल पॉमरेनियन आते हैं ये वो ब्रीड है। और ये बहुत प्यारी है। पॉमरेनियन बेसिकली दोस्तों गोल्डन ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, कभी कभी ग्रे शेड में भी मिल जाते हैं। मोस्टली पॉमरेनियन जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे डालते हैं तो गोल्डन कलर का एक बहुत ही सुंदर सा डॉग आपको दिखाई देता है। ये वही ब्रीड है वाइट कलर में। बहुत सारे लोग जो हर वाइट डॉग को पॉमरेनियन या पवेलियन कहते या समझते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पॉमरेनियन ब्रीड की का अधिकतम बॉडी वेट 6 से 7 केजी होता है। यूजुअली ये 4.5-5 केजी में ही होते हैं। जेनी की भी अभी जो बॉडी वेट है, जेनी का बॉडी वेट 4 किलो 200 ग्राम मात्र। थोड़े बड़े वाले जो आपको दिखते हैं, जिनको आप पॉमरेनियन समझते हैं, असल में वो डॉग जैपनीज स्पिट्स या इंडियन स्पिट्स होते हैं। जैपनीज स्पिट्स इंडियन स्पिट्स की तुलना में छोटे होते हैं, लगभग ऐसे दिखने में। इंडियन स्पिट्स काफ़ी बड़े होते हैं घुटने तक। उनका बॉडी वेट अधिकतम 9 किलो 10 किलो तक जा सकता है। चौड़े पंजे भी होते हैं, हेड साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। इस ब्रीड के बारे में अगर हम बात करें पॉमरेनियन की, तो ये आपको मार्केट में 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस रेट में बड़े आराम से मिल जाते हैं। जिनको असल में आप लोग पॉमरेनियन समझते हैं और वो 5,000, 7,000, 8,000 में मिलते हैं, 9,000 में, वो होते हैं इंडियन स्पिट्स। वो सस्ते मिलते हैं, पहले के समय में 2,000, 2,500 में मिलते थे, फिर 5,000 हुआ, लॉकडाउन आने के बाद 6,500, 7,000, और अब 8,000 से 9,000, 10,000 में भी मिल जाते हैं। बट ये वाली ब्रीड वो नहीं है, ये बेसिकली पॉमरेनियन है, वो इंडियन स्पिट्स होता है। इनके कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, ये बड़े मिलनसार और बहुत चंचल स्वभाव के डॉग होते हैं। ये बड़े एक्टिव होते हैं, इनको खेलना बहुत पसंद है, कार में ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, स्कूटी पे आगे बैठा के आप घुमाइए इनको, इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और इसके उलट इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता है। ये अपने मालिक या ओनर्स के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। और अगर आपको ये डॉग लेने का मन कर रहा है तो, और आप कभी शादी में कहीं गए, कहीं बाहर कहीं गए, या फिर आपको किसी भी कारण से वेकेशंस पे जाना हो गया, तो आपके घर में कोई ना कोई होना चाहिए आपके डॉग का ख्याल रखने के लिए। आप किसी के भी पास नहीं दे सकते, ये डॉग्स बहुत सेंसिटिव हैं। और किसी भी दोस्त या फ्रेंड को देने से अगर वो प्यार नहीं करता, इनकी केयर नहीं करता, तो ये दिन भर रोते हैं, दिन भर रोते हैं और बहुत मिस करते हैं अपने ओनर्स को। जबकि जो इंडियन स्पिट्स हैं वो ऐसे नहीं है, आज मेरा है कल आपका भी है, वो आपको भी प्यार करेगा, मुझे भी करेगा, आपके दोस्त को भी करेगा, आपके पड़ोसी को भी करेगा। उनके कैरेक्टर में, इनके कैरेक्टर में ये सबसे बड़ा अंतर होता है, इनके साइज़ और उनके साइज़ में काफ़ी अंतर होता है। आप देख सकते हैं इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे घने हैं। और आज जेनी प्रॉपर मूड में बैठी है वीडियो बनवाने के लिए, है ना मेरे बच्चे? और आज जेनी प्रॉपर बैठी है अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो जेनी ये बताइए, आपके बाल कितने बड़े बड़े हैं? जेनी कह रही है कि मेरे बाल इस समय 8 से 10 इंच के हो गए हैं और अभी मैं अपनी ग्रूमिंग के लिए आई हूँ। अच्छा, अब अगर हम जेनी को पूरा उठाकर आपको दिखाएं, जेनी खड़े होइए, ये इसकी देखिए फुल हाइट है। अच्छा, हेलो, जेनी हेलो भी करती है, शेक हैंड, हाय हाय हाय। एक बार इस तरफ से इसका फेस जरूर ले आकर के दिखाइएगा, लेते हैं जेनी, जेनी इधर, जेनी 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 हेलो कर लो, हेलो कर लो, शेक हैंड कर लो भैया, शेक हैंड कर लो, किसी दे दो, नहीं दोगी? हालांकि जेनी किससे भी सब देती है। अच्छा, हाय, बहुत बहुत प्यारी है। इसकी दुम आप देखिए, ये दुम कितनी खूबसूरत है, ये आप देखिए। इंडियन स्पिट्स की दुम
पे भी बाल होते हैं बट वो नीचे की ओर जाते हैं और हल्के से बस कर्व हो जाते हैं, जबकि जो रियल पोमरेनियन है इनकी दुम पे जरूर गौर कीजिएगा, फोकस करके दुम को दिखाइए, कमल के फूल की तरह खिले होते हैं चारों ओर से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर ओर से ये टेल देखिए एकदम कमल का फूल लग रहा है। और अगर ये डॉग के साथ न जुड़ा हो, अगर ऐसे बालों को मैं इसके हाथ में ले लूं, ये आप देखिए ये किसी तरह का गुलदस्ता या फूल ही लग रहा है, इस पे गौर कीजिएगा ऊपर से लाके ये दिखाइए। तो ये मैं आपको पहचान दिखा रहा हूँ ताकि आप धोखे का शिकार ना हो, ब्रीड रिकॉग्नाइज कर पाए। और इनके काफ़ी बाल होते हैं, इवन जबकि ये जो मौसम है दोस्तों समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, इस समय बहुत हेयरफॉल होते हैं, हेयरफॉल का सीजन चल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास हेयरफॉल के टॉनिक आते हैं। एक टॉनिक आप ले लेंगे 10-15 दिन में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि इतने बाल झड़ने के बावजूद ये डॉग इतना खूबसूरत दिख रहा है। और अभी हमने इसको हेयरफॉल की दवा कल से देना स्टार्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डिवॉर्मिंग का बहुत ख्याल रखा जाता है डॉग्स का हमारे यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपने बारे में पूरा परिचय शुरुआत में नहीं दे पाया था। मेरा पूरा नाम सौरभ वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ और एक डॉग बिहेवियरिस्ट के तौर पर पिछले 9 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारी टीम में डॉक्टर्स भी हैं, हमारी टीम में वेटनेरियंस हैं, हमारी टीम में डॉग ट्रेनर्स हैं, हमारी टीम में डॉग हैंडलर्स हैं, हमारी टीम में डॉग फिलोसोफर और डॉग गाइडर्स भी हैं, जो आपको कौन सा अच्छा डॉग आपके हिसाब से पालना चाहिए वो आपको गाइड करते हैं। और बहुत ही कम समय हुआ है हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ चुके हैं हमारी टीम के साथ, आप उनको डॉग एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, हालांकि वो इंसानों की एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, बट आपके राशि के अनुसार किस कलर का डॉग आपको पालना चाहिए ये भी वो आपको बहुत आराम से बता सकते हैं। आपकी कुंडली देखकर आपको ये बता सकते हैं कि किस डॉग को रखने से आपका शनि और राहु ठीक हो जाएगा, शनि की दुर्दशा और राहु के जो भी विपरीत परिस्थितियों में जो भी चीजें होने वाली हैं वो कैसे ठीक हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें आज के समय में मैं भी सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको और ज्यादा सिखा पाऊँ, हर दिन कुछ नया बता पाऊँ, हर टाइम मैं आप लोगों को कुछ नया दे पाऊँ। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिली हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, एंड आप लिंक इसका नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा देखिए व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, अपना स्टेटस लगा सकते हैं, बहुत सारा जगह फेसबुक व्हाट्सएप, आपका कोई ग्रुप हो फेसबुक का, कोई ग्रुप हो व्हाट्सएप का, उसमें शेयर कर सकते हैं जिनको डॉग्स रखना पसंद हो या जिनको इन बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे आप सब से बात करके और आप सबको जानकारी देके बहुत अच्छा लगा। आप सब नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बातें सुनकर और जेनी से मिलकर कैसा लगा। और इस तरह के पपीज़ हमारे पास मिल जाते हैं, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास जर्मन शेफर्ड, शिह त्ज़ू, चुहावा, पग, पोमेरियन, डॉबरमैन, लैब्राडोर, साइबेरियन हस्की, अलास्कन मैलामूट, सेंट बर्नार्ड, वोडाफोन वाला पग, डैशहाउंड, चिवावा, बुल मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, तोसा इनो यानी कि जापानीज मैस्टिफ, तिब्बतियन मैस्टिफ, अफगान हाउंड, इस जैसे तमाम ब्रीडें हमारे पास मिल जाती हैं। यॉर्कशायर टेरियर जैसा इंपोर्ट अलग ब्रीड भी मिल जाता है, अफगान हाउंड भी हमारे पास मिल जाएगा, कैंगल भी आपको मिल जाएगा, जेनी भी हाँ हाँ कर रही है, देखिए हाँ मिलता है मिलता है। अरे नहीं भैया, इसको आ रही है नींद क्योंकि एसी चल रहा है और इसको बहुत सुकून मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो दोस्त तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबा के, हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ, सुबह 9 बजे आप तक पहुँचाता हूँ। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।